नमस्कार दोस्तों, साउथ के मशहूर डायरेक्टर एस एस राजामौली की फिल्म आरआरआर एक ब्लॉकबस्टर थी। न सिर्फ भारत बल्कि जापान में भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। रामचरण और जूलियन एनटीआर की फिल्म आरआरआर के रिलीज के बाद से ही फैंस फिल्म के सीक्वल की मांग कर रहे थे। वहीं अब आरआरआर के फैंस के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठेगा। फिल्म की रिलीज को अब काफी वक्त हो गया है, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर मूवी के एक्शन सीन्स की चर्चा होती रहती है। रामचरण और जूलियन एनटीआर की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। ट्रिपल आर ने दक्षिण फिल्मों का भाग्य ही बदल दिया है। साथ ही फिल्म ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एस एस राजामौली ने फिल्म आरआरआर के सीक्वल की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता विजयेंद्र प्रसाद मेरी सभी फिल्मों के लिए कहानीकार हैं। हमने आरआरआर 2 के बारे में भी चर्चा की है और वह कहानी पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जल्द ही लोगों को आरआरआर का सीक्वल बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। बता दें, आरआरआर में रामचरण और जूलियन एनटीआर के अलावा आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम रोल में नजर आए थे। फिल्म में आलिया भट्ट साउथ एक्टर रामचरण के अपोजिट दिखाई गई थी। ट्रिपल आर दो तेलुगु स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित एक काल्पनिक कहानी पर बनी हुई है। फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू, जिसके किरदार के लिए रामचरण को, और कोमाराम भीम, जिसके लिए जूनियर एनटीआर को लिया गया था। बता दें कि ट्रिपल आर ने दुनिया भर में 1100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। वहीं भारत में इस फिल्म ने 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया था। बता दें कि ट्रिपल आर ने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। पिछले काफी वक्त से साउथ फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर काफी बोलबाला रहा है और साउथ फिल्मों के आगे बॉलीवुड फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। दोस्तों, अगर आपने ट्रिपल आर देखी है तो आपको भी ट्रिपल आर 2 का इंतजार जरूर होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।